हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं आपके सामने लेके आया हूँ अभी जनरल एप्टीट्यूड के जो गेट के क्वेश्चंस हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन सभी में जो आए हुए क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड के प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 2020 के, वो मैं वन बाय वन कराने वाला हूं। तो बने रहिए, आज मैं आपके सामने सिविल में जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल एप्टीट्यूड में चाहे सिविल में, चाहे मैकेनिकल, चाहे गेट, कोई भी सब्जेक्ट के साथ अगर गेट में एग्जाम होता है तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का लेवल एक जैसा ही होता है ना, तो ये सबके लिए हेल्पफुल है, राइट। आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आए एप्टीट्यूड के, सो देट कि आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाए। तो स्टूडेंट, मेरे जो प्रीवियस वीडियो है एप्टीट्यूड पे, वो आप आईटेप पे जाके देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट वहां पे दिखेगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये गेट 2020 में सिविल में पूछा गया था प्रश्न, और प्रश्न ये है कि द फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी वेंट ए कैंपेन एट नाइट, दे हैड टू स्लीप इन ए रो इन साइड द टेंट, है ना, वो टेंट में सब साथ में सोना चाहते हैं। पी क्यू टी रिफ्यूज टू स्लीप नेक्स्ट टू आर, है ना, पी क्यू टी जो है, पी क्यू टी है, वो आर के साथ सोना नहीं चाहते, है ना। मतलब ये है कि पी क्यू टी जो है वो कभी इनके बीच में, आर और इनके बीच में 100% गेप रहेगा, क्योंकि तीनों इसके साथ नहीं सोना चाहते हैं, राइट। बोला जा रहा है सिंस ही स्नोर्ड लाउडली, बहुत ज़्यादा सांस लेता, मतलब वो उसकी आवाज़ आती है ना, एंड पी एंड आर वांटेड टू अवॉइड क्यू, और पी और एस है वो क्यू को अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब क्यू के साथ नहीं करेंगे, क्लियर है, इनके बीच में गैप रहेगा। एज ही यूजुअली हग्ड पीपल इन अ स्लीप, है ना, सोते वक्त पकड़ लेता है। अज्यूमिंग एवरीवन वाज सेटिस्फाइड विद द स्लीपिंग अरेंजमेंट, व्हाट इज द ऑर्डर इन विच दे स्लेप्ट। तो सुन, आपको देखना है कि सबसे पहले आर को चेक करो कि आर पी क्यू टी के साथ में नहीं होना चाहिए। तो सुन, यहां पे आर है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्यू के साथ आ रहा है, राइट। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, आर को पकड़ लो, आर के साथ यहां पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, पी आ रहा है ना, तो आर के साथ पी नहीं हो सकता, दिस ऑप्शन इज नॉट राइट। अब आर है स्टूडेंट, आर के साथ अगेन पी आ गया, सो दिस ऑप्शन इज नॉट राइट। स्टूडेंट आर के साथ यहां पे देखो, आर के साथ पी क्यू टी नहीं आ रहा है ना, पी क्यू टी नहीं आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। और क्यू के साथ कौन, पी और एस क्यू के साथ नहीं आना चाहिए, तो पी और एस, ये पी और एस ये क्यू के साथ भी नहीं आ रहे, गेप आ गया, मतलब डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो, आपको कोई मतलब कलेक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा कि व्हाट इज अ यूनिट डिजिट प्लेस 2695917 पावर 11016। तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, 9 की साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी कि 9 की पावर 1 जो होती है वो 9 आता है, इसमें 9 की पावर जो 2 होता है वो 81 आता है, एंड 9 की पावर जो 3 होता है वो होता है हमारे पास 9 एंड 729, राइट। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि 9 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 91 आता है, फिर वापस 91 आ जाएगा, है ना, ये रिपीट करेगा 91, फिर 91 आएगा, है ना, ऐसे आता जाएगा, राइट। मतलब 9 पावर 4 में इसका जो लास्ट डिजिट वो आएगा, 9 पावर 5 में जो लास्ट डिजिट है वो ये आएगा, क्लियर है, है ना, फिर 9 पावर 6 में लास्ट डिजिट ये आएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, मतलब 91 आता जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब ओड पावर होगी तब 9 आएगा, जब इवन पावर होगी तो 1 आएगा। तो इसमें यहाँ पे ये पावर क्या है, इवन है, ये पावर क्या है स्टूडेंट, इवन है, और जब भी इवन है मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। सो ए ऑप्शन, जैसे यहां पे देखो ये ऑड है तो 9 आ रहा, इवन है तो 1 आ रहा, ऑड है तो 9 आ रहा, इवन है तो 1 आ रहा, तो लाइक बहुत इजी क्वेश्चन है यहां पे, मतलब देखते ही आंसर हो रहा है, तो कहीं भी चिंतित होने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बोला जा रहा, इंसर्ट 7 नंबर बिटवीन 2 एंड 34। इसमें 2 एंड 34 के बीच में आपको 7 नंबर को इंसर्ट करना, मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, ये हमारे पास टोटल 7 नंबर है जिसको हमने इंसर्ट किया 30 इसके बीच में, है ना, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इंक्लूडिंग 2 एंड 34, मतलब 2 और 34 को मिलाने के बाद टोटल जो नंबर हो रहे हैं, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास एक एपी है, क्लियर है। द सम ऑफ दिस इंसर्टेड 7 नंबर इज, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका यहां पे सम क्या होगा, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या करेंगे, टोटल का सम निकाल देंगे, है ना, फिर उसमें से टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब ये कितने नंबर है स्टूडेंट, टोटल 7 और 8 और 9 नंबर है, कितने नंबर है, 9 नंबर है, और हम जानते हैं कि हमारे पास सम का फार्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N बाई 2, है ना, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, एक्चुअली एक फार्मूला ये भी होता है, SN इज इक्वल टू N बाई 2, ये होता है हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, है ना। पर स्टूडेंट अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप सीधा ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्लियर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट कि s हम टोटल सभी सम सभी का निकालेंगे तो s9, मतलब टोटल सभी टर्म का सम निकालेंगे तो ये आएगा 9 बाई 2, है ना, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्लियर है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो एक बार इसको जोड़ लो आप, कितना रहा है 9 इंटू
36/2 आ रहा, राइट, तो 36 हो रहा है ना, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 18, है ना, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 9, 2 और 7, 162 आ रहा है, राइट, ये हमारे पास आ रहा, पर हमें तो इनका इनका सम चाहिए, इन दोनों को हटा दो, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सुन, इनका चाहिए हमें सम, तो हमारे पास हमें चाहिए a1 + a2 + a3, है ना, अप टू कहाँ तक चाहिए, अप टू हमें चाहिए ये a7, तो हम क्या करेंगे 162 में इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस का 2 कर दो, माइनस का 34 कर दो, राइट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सुनिए आएगा 160 में से 30 गया तो 130 और 130 में से 4 गया तो ये आएगा 126, तो इसमें हमारे पास 126 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा, तो बहुत इजीली क्वेश्चन हम यहां पे इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सब सिविल में 2020 में आया क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100, आपसे बोला जा रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है, मान लीजिए नंबर ए और बी है ना, तो आपसे बोला जा रहा है कि ए प्लस बी क्या है हमारे पास 100 है ना, After subtracting 5 from each number, दोनों में से 5 हमने subtract कर दिया, मतलब 5 इसमें से यहां से subtract कर दिया और यहां से भी हमने 5 subtract कर दिया, है ना, The product of resulting number, इन दोनों का जो product है वो हमारे पास 0 आ रहा है, ये बोल रहा है कि 0 आ रहा, Then one of the original number is, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दोनों में से 5 subtract किया और ये 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा, राइट, मान लीजिए अगर ये 0 है ना, मान लीजिए अगर ये 0 है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा और ये 0 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, अरे b की वैल्यू अगर ये 0 आ रहा है तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना, तभी तो 5 माइनस 5 0 होगा, और b की वैल्यू 5 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 95 होगी, राइट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज, तो एक नंबर क्या होगा इसमें, 95 होगा, राइट, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, 0 1 2 3 4 7 6 7 8 9 आर कोडेड एज ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, ऐसे दे रखा, एक्स वाई जेड एक्स दे रखा है ना, देन 45 विल बी कोडेड एज, 45 को कितना कोड करेंगे, तो इसमें 4 नंबर पे कौन आ रहा है और 5 नंबर पे कौन आ रहा है ये चेक कर लो आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यह आएगा ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसा आएगा, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो नेक्स्ट हमारे पास टी आएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो आपसे बोल रहा है कि 45 क्या होगा, तो ST हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो इतने मतलब सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जिसकी कोई हद नहीं, तो अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा जो उद्देश्य है वो समझ लीजिए आप, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड के जितने भी गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं 2020, 2019, 2018 ये सब मैं वन बाय वन कराने वाला हूँ, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप कि आपको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है या नहीं है, पता पड़ा मैं मेहनत करके इतना कंटेंट अच्छा लेके आता हूँ और आप लोग देखते नहीं हो तो फिर मतलब नहीं बनेगा, राइट, तो ये गेट के 2019 के 2020 के जितने भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं ब्रांच वाइज कराने वाला हूँ, प्लस ब्रांच वाइज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कराने वाला हूँ, सो देट कि आपको आइडिया लगे कि 2019 में इलेक्ट्रिकल में या सिविल में क्या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे, सो विच लाइक वन बाय वन आई विल गोइंग टू डिस्कस विथ यू, सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट, सो स्टूडेंट लास्ट मेरी वीडियोज है, ये जनरल एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज है जहां पर मैंने काफी सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, स्टूडेंट ये गेट के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, दोनों मेरे चैनल, स्टूडेंट मेरा नया चैनल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा पुराना चैनल है जहां पर आप हायर मैथ्स की वीडियोज देख सकते हैं, सो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और स्टूडेंट अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट वहां पे मैं आप लोगों के लिए अभी अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं और अपडेट्स आपको वहां पे मिलती रहेगी, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।